Hello friends, actually my health was not good in last 1 week से बोल सकते हो आप। वायरल की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इस वजह से वो MCQ वाला सेशन प्रॉपरली नहीं आ पाया। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ कि आप MCQs कैसे लास्ट में टैकल कर सकते हो। ठीक है, कि अभी आपको क्या करना चाहिए जब 2 दिन बचे हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट GSEB की जो एग्ज़ाम है ना, बहुत सिंपल पैटर्न पे काम करती है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो PYQs है ना हमारे लास्ट ईयर के, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप इसके सिर्फ 4 साल के या फिर 2 साल के, जैसे 2 बार होता है, एक मार्च में होता है, एक जुलाई में होता है। ठीक है, मार्च और जुलाई आपको पता है दो एग्जाम होते हैं, जैसे ये एक आध सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए होता है, बट मार्च तो हमारा मेन होता है। तो अगर आप जुलाई नहीं भी करते हो तो सिर्फ 4 साल के मार्च मार्च के कर दो, यानी ये कुछ होते हैं 200 MCQs। ठीक है, फिर मैं बताता भी हूँ कि कैसे टॉपिक्स वाइज पढ़ भी सकते हो आप और किस तरीके के MCQs आते हैं। तो अगर आप PYQ करते हो तो 200 MCQs हो जाते हैं, एंड हार्डली मुझे लगता है आपको ये करने में 4 to 5 आवर्स लगेंगे। और अब तक मैं मानता हूँ कि 2 दिन बचे हैं, तो थियरी तो आपने बहुत बार पढ़ ली होगी, फिजिक्स की या मैथ्स की या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री जो भी हो, पर फिजिक्स की के पेपर के लिए अब 2 दिन बचे हैं, जैसे कि आज 10 तारीख है। ठीक है, अभी भी वैसा ही है, बट मैंने बोला एटलीस्ट बच्चों को इतना तो पता चलना चाहिए कि अब क्या कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ मत करो, 200 MCQ ये उठाओ और इनको रिवाइज कर लो। ठीक है, और इनको किस तरीके से करना वो समझो। बच्चे क्या करेंगे, इसको रट लेंगे आंसर। आंसर रटना नहीं है, हमें ये 200 MCQs में से मैं मानता हूँ कि 100 के आसपास तो MCQs ऐसे होंगे जो डायरेक्टली थियोरिटिकल होंगे, उनको आपको समझना है कि किस पैटर्न में ये पूछ रहा है, और जब आपने थियोरी पढ़ी है तो उससे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे वो। ठीक है, और मैं गारंटी से बोलता हूँ 50 MCQ अगर फिजिक्स के हैं, उसमें से 25 MCQ, ठीक है, 25 MCQ करीबन आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, आंसर याद होता है, देखते ही टिक हो जाते हैं। ठीक है, और 15 MCQ डायरेक्टली, 15 क्या 20 MCQ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट बिना कुछ सोचे। सिर्फ 5 MCQ ऐसे होते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है ज्यादा। तो अभी कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले आप कीजिए, अभी देखिए आज 10 तारीख है, आप ये वीडियो या तो 11 को देख रहे होंगे या तो 10 को, फिजिक्स के रिलेटेड या मैथ्स का पेपर होगा तो उसके पहले देख रहे होंगे, जब भी देख रहे होंगे। आपको अभी क्या करना है, PYQ उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और PYQs के को एक बार अच्छे से कर जाइए। मैं मानता हूँ कोई भी एग्जाम में PYQ नहीं छोड़ना चाहिए, आप सिर्फ 200 क्वेश्चंस या 150 क्वेश्चंस, अगर चारों नहीं हो पाते तो एटलीस्ट 150, बट उनको पक्का कीजिए। पक्का यानी उसके मेथड आपको पता होना चाहिए, और उसमें आपके सारे फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, थियरी भी रिवाइज हो जाएगी जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, और जब आपने थियरी पढ़ी होगी तो वहां से भी आइडिया आ जाता है। जैसे मैं बताता हूँ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हर साल जो पूछे जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला पक्का कीजिए, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, परमेबिलिटी, मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे टर्म्स जो हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूलास और यूनिट आपको पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रॉपरली आपने पक्का पता कर रखा है तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक, पहली चीज, तो यहां से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, जैसे किरचॉफ्स को लेके पूछा जाता है, जैसे उसके उनके दो रूल है, एक है आपका जंक्शन रूल और दूसरा आपका है लूप रूल। जंक्शन रूल क्या बनाता बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि उसमें क्या है, जितना करंट इन होता है उतना ही आउट होता है, तो जंक्शन रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है। वहीं पे जो आपका लूप रूल है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ, वो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चार्ज और एनर्जी, फर्स्ट जंक्शन रूल चार्ज बताता है, सेकेंड आपको ये बताता है, क्लियर हुआ सबको, एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे ही रेजिस्टर और कैपेसिटर, कैपेसिटर के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, उस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी इन शॉर्ट आपको करना क्या है कि आपको सिंपली ये देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो PYQ है, उससे आपको आइडिया आएगा, और जब आप थियरी पढ़ रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद आने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ एक और, तो न्यूक्लियस और उसमें चला जाऊं मैं, तो देखो एक वो जो फॉर्मूला है हमारा, आर प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 1/3, ठीक है ना, रेडियस और ये मास नंबर का हमारा जो रिलेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है R1/R2 इक्वल टू A1/A2, यानी या तो आपको दोनों के एटॉमिक मास दिए होंगे उनका, और रेडियस का रेशियो पूछा होगा,
या तो ये दिया होगा, कुछ भी एक पूछेंगे, ये फॉर्मूला आ जाता है। फिर वहीं पे लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ये जो सीरीज है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उनके नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, जैसे लाइमन जो है वो 1/1 होता है, फिर -1/n, n की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है, बाल्मर में 3 से शुरू होती है। ये सारी चीजें छोटी छोटी ध्यान में रखनी है, यूनिट्स तो ध्यान में रखना ही है, ठीक है। वहीं पे जो आपका, और देखिए मैं अभी कोशिश करूंगा कि शाम तक एक थियोरिटिकल भी आपके क्वेश्चंस कौन कौन से कवर हुए हैं कि नहीं वो भी मैं आपको बता पाऊँ कि क्या थियोरी के क्वेश्चंस कौन से नहीं छोड़ने। जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म हर साल का क्वेश्चन है, फिक्स है, तो मैंने यही बोला। देखिए मैं क्या मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, बट अगर आपने PYQ कर रखा है तो आपका काम वहीं पर हो जाएगा। देखो 4 साल के PYQ कर लेना ना, यानी आइडिया आ ही जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। फिर सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जो चैप्टर हमारा, उसमें आप क्या कीजिए, वो 4 इक्वेशंस है ना मैक्सवेल की, उनको ध्यान में रखिए, मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस। वहीं पे आपको इसी चैप्टर के अंदर जो आपको रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, उसका एक आपको टेबल दिया हुआ है पूरा, ठीक है, जो आपको याद रखना है, और उसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म, ऐसे करके पूरा एक बना हुआ है। तो आप उसको वेवलेंथ वाइज याद रखिए, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपको पता है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसके आपको रेंज याद रखने हैं। फ्रीक्वेंसी है, कई बार पूछे जा चुके हैं, और उसमें भी बच्चे किलो हर्ट्स और मेगा हर्ट्स में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान से याद रखना है कि मेगा है कि किलो है। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। इसी तरीके से आपको कुछ और चीजें, जैसे ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर में आपको क्या करना है, ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर में आपको देखो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ है, जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और बाकी चीजें निकल रही हैं, तो किसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसमें फोटो करंट निकलेगा, वो सारी चीजें। तो ये सब चीजें अभी आपने थियोरेटिकली पढ़ी होगी तो आपको आइडिया हो गई, ठीक है। बट इससे बेस्ट है आप PYQ लगा लीजिए, ठीक है। फिर जैसे जो फोर्थ चैप्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पे कितना होता है μ0 I/2R, ठीक है, वैसे ही एक्सिस पे कितना होता है फॉर्मूला, यानी अगर आपको सही तरीके से फॉर्मूलेस पता है तो क्वेश्चंस हो जाते हैं, और थियोरिटिकल क्वेश्चन 25 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपने जो थियोरी पढ़ी है उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। फिर जैसे फील्ड एमिशन, जो इसी चैप्टर में 11th चैप्टर में फील्ड एमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो 10^8 के नियर अबाउट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यह हमें टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है और यह MCQ पूछा जा चुका है, ठीक है, यह MCQ पूछा जा चुका है कि 10^8 वोल्ट पर मीटर होना चाहिए, ठीक है, यह हमसे पूछा जा चुका है कि फील्ड एमिशन कितना होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आपको देखना है हर चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये आपको बेस्ट तरीके से PYQ के MCQ बताएंगे। तो ये तो देखिए वैसे भी हमें PYQ करने थे, जिन्होंने कर लिए हैं बहुत अच्छा, पर जिन्होंने किए हैं क्या आपने रटा है तो गलत है। आपको फॉर्मूला बेस्ड देखना है कि फॉर्मूला क्या क्या लग रहा है, और वही सारी चीजें वापस अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं यही बोलूंगा, जब मैथ्स का पेपर आएगा तो जैसे आप फिजिक्स देके आ रहे हैं, उसके बाद जो भी पेपर है उसके PYQ के MCQs पहले उस दिन कीजिए, फिर नेक्स्ट डे उसकी थियरी और जो भी रिवाइज करना है आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल भी उतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशंस आते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस में 8 डेरिवेशंस पूछ लेते हैं, वो 8 थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट 3 मार्कस जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स होते हैं, और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मार्क्स फेच करते हैं, क्योंकि गलती होने के और थियरी में ज़्यादा मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, न्यूमेरिकल में फुल मिलते हैं अगर आपने यूनिट सही तरीके से लिखी है, तो यूनिट जरूर मेंशन करें, ठीक है। और जैसे कई बच्चे जल्दी जल्दी में गड़बड़ करते हैं, पावर ऑफ द लेंस हुआ, ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको आपको ध्यान से करना। सो आपके लिए दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे देखिए थियरी में भी 50 मार्क्स होते हैं, MCQs में भी तो 50 मार्क्स हैं, यानी पार्ट ए पार्ट भी इक्वल मार्क्स कैरी कर रहे हैं। फिर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, इसको टाइम नहीं देते हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको भी टाइम देना है। जैसे आपके पास मैं टाइम डिवाइड कर देता हूँ आपका, आज अगर आप पढ़ रहे हो या जो भी पेपर देके आए होगे, ठीक है, उसके पहले, या आज 10 तारीख है तो आज फिजिक्स ऑब्वियसली कर रहे हो, तो आज के दिन MCQs ले दो 10 तारीख को पूरा, ठीक है, सही तरीके से PYQ कर डालो पूरा आज, जैसे भी करके। कल के दिन एटलीस्ट मॉर्निंग से अगर आप स्टार्ट करते हो 8 बजे से, तो मैं मानता हूँ कि रात को 8 o'clock तक आपके सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे, एक बार रिवाइज करना है तो। और फिर रात से लेके, क्योंकि परसों दोपहर को आपका पेपर है 3 बजे से, ठीक है, यानी आपके पास वहाँ पे भी 12 बजे तक का टाइम मैं मान के चलता हूँ, तो यहाँ से लेके मॉर्निंग तक रिवाइज हो जाती है थियरी। सो प्रॉपरली टाइम देना बीच में, क्योंकि अगर मॉर्निंग में आप 4-5 घंटे भी रिवाइज कर रहे हो क्योंकि आपने थियरी पढ़ी हुई है, तो आपका इजीली यहाँ पे हो जाएगा।
तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है अभी के टाइम में, पी वाई क्यूज मत छोड़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थियरी न्यूमेरिकल तीनों पार्ट्स हमें खत्म करने हैं। तो आज के दिन आप एमसीक्यू को टाइम दो, 4-5 घंटे दो, क्योंकि उसमें भी आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं। यहाँ भी थियरी डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब मिला के 50 है, वो अकेले एमसीक्यू 50 फेच कर रहे हैं। तो आप अगर पी वाई क्यूज करोगे तो आपको आइडिया देगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आप गुडसेट कॉम देख लेंगे बाद में कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी के लिए आप पी वाई क्यूज पे फोकस करो, बोर्ड्स के जो पी वाई क्यू हैं, ठीक है, और टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, जैसे पानी का बॉटल कैरी करना, वॉशरूम जाके आना है पेपर के पहले, ताकि आपको टाइम अंदर आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और रिलैक्स कपड़े पहन के जाओ, जैसे कि आपको कपड़े ऐसे पहनने कि आप कंफर्ट रहो, ठीक है, बार बार ठीक करना पड़े, परेशानी हो, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करो और पी वाई क्यू करो, रिलैक्स रहो, अच्छा जाएगा पेपर, पेपर ईजी आएगा, डोंट वरी, ठीक है, पेपर अच्छा आएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक। तो टेंशन मत लो, बस अच्छे से रिलैक्स रहो, ठीक, एंड पेपर अच्छा जाएगा, बस ये दिमाग में रखना, आपने मेहनत की है, पेपर अच्छा जाएगा। पी वाई क्यूज जरूर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, वैसे भी नहीं छोड़ते हैं, लास्ट मोमेंट पे वही करना बेनिफिशियल है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, चीज़ें जो आपने पढ़ी उनको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, नया कुछ करने से बेटर है आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करो, क्योंकि अगर एक आध चैप्टर बाकी भी रह गया वो जनरल ऑप्शन में निकल जाएगा, ठीक है, बट अगर उसको पढ़ने के चक्कर में रिवाइज नहीं हुई चीज़ें तो प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है। सो रिवाइज करो, ठीक है, तो रिविजन अच्छे से करो, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड पी वाई क्यूज कर लेना, एम सी क्यू स्पेशली, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, ये पूछा है तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।